नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो अभी सुबह की बज रही है 8 और कुछ देर पहले ही आज मैं उठी हूँ। हाँ जी, जनरली इतना लेट मैं कभी उठती नहीं हूँ। आप सबको पता ही है कि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, जल्दी उठती हूँ और जल्दी जल्दी काम जो है वो निपटाती हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा लेट उठी हूँ, थोड़ा नहीं मतलब काफ़ी लेट हो गया है। लेट उठने का रीज़न भी है, कुछ देर में बताती हूँ कि आज लेट क्यों उठी। फटाफट से पहले काम की जो है वो शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने मशीन जो है वही चला दी है, क्योंकि रात को ही कपड़े वगैरह मैंने डाल दिए थे मशीन में। और कपड़े जो थे वो तो डाले ही थे, और आज मशीन जो है वो 3 बार चलेगी, क्योंकि इतने कपड़े आज हैं। मतलब जनरली रूटीन के जो कपड़े होते हैं वो नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा कपड़े आज मुझे धोने हैं। तो रूटीन वाले कपड़े मैंने अभी मशीन में डाल दिए हैं। सेकंड जो लोट होगा उसके अंदर मैं कुछ ब्लैंकेट और कुछ बेडशीट से वो डालूंगी, और थर्ड लोट के अंदर ये जो सोफ़े की कवर है वो डालने वाली हूँ। तो आज मशीन जो है वो भी चलानी है, बहुत सारे कपड़े भी धोने हैं, और घर के जो है वो भी बहुत सारे काम आज मुझे करने हैं। क्योंकि शायद एक दो वीडियो पहले मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि मेरी जो हाउस हेल्पर है वो गई हुई है छुट्टियों पर 2 महीने की। और मतलब मैंने एक नई हाउस हेल्पर जो थी वो ढूंढी भी थी, वो आई भी थी, एक दिन उसने काम भी किया, और उसके बाद में पता नहीं उसको क्या हुआ, वो दूसरे दिन ना तो आई। और मैंने उसको कॉल भी किया, मतलब नंबर लिए थे, मैंने उसको फ़ोन किया, लेकिन उसने मेरा फ़ोन ही रिसीव नहीं किया। तो यही नाटक होते हैं हाउस हेल्पर के, अगर किसको काम जम जाता है तो ठीक है, और नहीं जमता है तो वो वापस से कोई रिप्लाई भी नहीं देती और कोई रिस्पॉन्स भी नहीं देती है। तो अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं कोई हाउस हेल्पर रखने वाली नहीं हूँ, मैं जो घर के काम है वो खुद ही मैनेज करूँगी। क्योंकि अब बच्चों के जो वैकेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो मतलब फ्री है तो काम जो है वो आगे पीछे कर ही लूँगी। तो चलिए फटाफट से कर देते हैं काम की शुरुआत। तो यहाँ पर मैंने अभी मशीन में कपड़े डाले थे, और उसके बाद में सोफ़े के कवर हटाए, और अब मैं आई हूँ किचन के अंदर। सबसे पहले तो आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही बढ़िया और टेस्टी समर ड्रिंक जो है वो उसकी रेसिपी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो गर्मियाँ कब से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अभी जो गर्मी का लेवल है ना वो बिल्कुल पिक लेवल पर है। बहुत ही भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है, और इस गर्मी के अंदर है ना सुबह जब उठते हैं ना, कितना भी जल्दी उठ जाओ ना चाय पीने का मन होता है, ना ही गर्म पानी पीने का मन होता है। ऐसा होता है कि कोई ठंडा ठंडा सा कुछ ना कुछ दे दे तो एक अच्छी एनर्जी जो है वो अंदर आ जाए। तो ये जो ड्रिंक है वो बिल्कुल ऐसी ही है, एक ग्लास अगर आप पियेंगे ना सुबह उठ के तो एक एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। तो रेसिपी आज आपके साथ में मैं थोड़ी बहुत शेयर करूँगी, डिटेल रेसिपी मैं आपके साथ में ना फिर से शेयर करूँगी अच्छे से। आज तो सही कहूँ तो कल रात को मेरा मूड जो था वो थोड़ा अपसेट था, क्यों था वो भी मैं आपको व्लॉग में बताऊँगी। तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। फटाफट से बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें जो है वो मैंने इसके अंदर डाली है। थोड़ी बहुत सौंफ डाली थी, थोड़ा सा जो साबुत धनिया होता है वो डाला था, मगज के बीज डाले थे, और थोड़ी सी मैंने काली मिर्ची डाली थी, छोटी इलायची होती है ना हरी इलायची वो डाली थी, और इसके अंदर और क्या डाला था मैंने, पॉपी सीड्स होते हैं खसखस के दाने मैंने वो डाले थे। तो ये कुछ चीज़ें जो थी वो मैंने डाल के, और रात को एक दो पानी से मैंने वॉश किया, और उसके बाद में ओवरनाइट इसको भिगोने रख दिया था, और सुबह इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने निकाल दिया है, और उसके बाद में इसको डाल दिया है मिक्सी जार के अंदर। थोड़ा थोड़ा सा पानी जो है वो डालती जाऊँगी, और इसका एकदम फाइन सा पेस्ट जो है वो बना देना है। हमको इसका जो पेस्ट है उसका यूज़ नहीं करना है, हमको छानने के बाद में जो इसका पानी निकलेगा ना उसको एज ए ठंडाई की जैसे काम में लेना है। वैसे ना बनाते हैं बहुत सारे लोग, आप में से भी कोई ना कोई बनाते होंगे, बनाते हो तो मुझे बताना ज़रूर। लेकिन मैं अपनी स्टाइल जो है वो शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। अब उसके बाद में बारी आती है इसको छानने की। तो छानने के लिए मेरे पास में ये वाला स्ट्रेनर है, मतलब ये वाला कपड़ा है जिसके अंदर मैं पनीर भी छानती हूँ, कुछ भी चीज़ छाननी होती है ना, मीठी चटनी बनाते हैं तो वो भी मैं इसी से छानती हूँ। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आपके पास में नहीं हो तो स्टील का कोई स्ट्रेनर होता है तो आप उसमें भी छान सकते हैं, बहुत ही ईजीली इसके अंदर से मतलब है ना अच्छे से छन जाता है, जितनी भी जो पानी वगैरह होता है ना वो फटाफट से निकल जाता है। तो यहाँ पर देखो अच्छे से छान दिया। उसके बाद में अब जो इस कपड़े के अंदर जो बचेगा ना उसको फिर से मिक्सी ग्राइंडर में डालेंगे, और फिर थोड़ा सा दूध डालने के बाद में उसको फिर से चलाऊँगी और अगेन इसको छानेंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है वो 2 से 3 बार की करनी है, ताकि जो चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली है ना सौंफ वगैरह, तो उनका अच्छे से फ्लेवर जो है वो निकल के इस ठंडाई के अंदर आ जाए। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगी कि आप चाहो तो मैंने यहाँ पर दूध और पानी दोनों मिक्स किए हैं, आप चाहो तो इस ठंडाई को प्योर दूध में भी बना सकते हो, या फिर दूध और पानी मिक्स करके भी बना सकते हो, और आप चाहें तो सिर्फ पानी में भी बना सकते हो। लेकिन मेरी माने तो इसको दूध के साथ में
अगर ये ठंडाई होती है ना तो वो बहुत ही टेस्टी लगती है। अच्छा, स्वीटनेस के लिए अभी मैंने यहाँ पर साबुत आपको शुगर बताई थी, जिसको साखर भी बोला जाता है, मिश्री भी बोला जाता है, वो धागे वाली आती है वो लेनी होती है। मतलब आप किसी पंसारी की शॉप पे या किराने की शॉप पे आप लेने जाएंगे ना, तो उनको बोलिए कि साबुत शक्कर या फिर मिश्री, दाने नहीं लेने, मिश्री के दाने जो कि प्रसाद में काम में लेते हैं ना वो नहीं लेने, जो साबुत आती है जिसमें ना धागा रहता है आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, वो लेके आनी है। तो वो है ना इतनी नुकसानदायक नहीं होती हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल रो होती है ना इसके लिए, उसमें कुछ मिलावट नहीं होती है। तो वो मैंने थोड़ी सी दूध में भिगोने के लिए रख दिए, खैर वो भिगी नहीं है क्योंकि इतने से टाइम में तो वो मेल्ट नहीं होगी, उसको टाइम लगेगा। और यहाँ पर हमारी ठंडाई जो है वो बनकर हो गई है रेडी। और ठंडाई की बनाने की शुरुआत करी थी उसके पहले ही मैंने ये चिया सीड्स जो थे वो 2 चम्मच चिया सीड्स पानी में भिगोने के लिए रख दिए थे। तो यहाँ पर ये देखो ये भी अच्छे से फूल गए हैं, तो इसको मैंने डाल दिया है इस ठंडाई के अंदर। तो ये हमारी देखो परफेक्ट समर ड्रिंक जो है वो बनकर हो गई है रेडी। और अब इसको मैंने रख दिया है फ्रिज के अंदर, क्योंकि ठंडी ठंडी ही अच्छी लगती है। अगर आपको इंस्टेंट पीना है तो आप इसके अंदर 2-3 आइस के क्यूब्स डाल सकते हैं। मैं मतलब बर्फ़ जो है वो खाना कम पसंद करती हूँ और बच्चों को खिलाना भी कम पसंद करती हूँ, तो बस थोड़ी सी देर फ्रिज में रखूँगी, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर हम पी लेंगे। और यहाँ पर बस मैं फटाफट से कर रही हूँ लंच की तैयारी, बहुत ही जल्दी जल्दी से बनने वाला लंच जो है वो बनाऊँगी आज, क्योंकि आज मेरा मतलब मन जो है वो सुबह सुबह अच्छा नहीं है। तो बस मेथी दाने जो है वो बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पर मेथी दाने मैंने ले लिए हैं और इसको बस एक कप पानी से वॉश करके इसको चढ़ा दूँगी ऊपर गैस के ऊपर, और पैरेलल में मैं आटा जो है वो लगा दूँगी। अच्छा, आज मेरा मूड जो है वो सही नहीं है और कल रात को सोने में भी लेट हो गया था, तो उसका रीज़न ये है कि अभी मैंने कल जो व्लॉग आपके साथ में शेयर किया था तो मैंने आपको बोला था कि पैकिंग चल रही है, शिल्पा जो है वो जाने वाली है, तो उसके टिकट जो थे वो कल के थे, तो कल वो चली गई थी रात को ही। हम उसको मतलब 8 बजे की उसकी बस थी, वो वडोदरा रहती है ना, तो उसकी बस थी, तो हम बस में बिठा के और आए थे। तो मैं और जैन साहब हम दोनों चले गए थे उसको बस में बिठाने के लिए, और आने के टाइम पे जैन साहब तो शॉप पे ही रुक गए थे और मैं आई थी घर पर। और घर पर जब आई तो बच्चे भी घर पे नहीं थे क्योंकि वो भी ट्यूशन गए हुए थे। तो घर के अंदर जैसे ही घुसी ना, तो मतलब इतना घर जो था ना वो खाने को दौड़ रहा था, बिल्कुल लास्ट 13-14 दिन हो गए घर जो था वो बहुत अच्छे से भरा भरा सा था। मतलब पहले गिरजा भी थी, फिर गिरजा चली गई थी, तो उसके बाद में शिल्पा थी, विन्नी थी, तो मतलब है ना कब सुबह हो रही थी, कब दिन हो रही थी, कब रात हो रही थी, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। दिन बहुत ही अच्छे से निकल रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि जब सब लोग चले गए ना, तो होता ही है जब घर के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं और अचानक से जब चले जाते हैं ना, तो फिर मतलब मन नहीं लगता है घर के अंदर। तो मेरा ना कुछ भी मन नहीं हो रहा था कल, कुछ एक बर्तन वगैरह पड़े थे रात के तो वो भी मैंने ऐसे ही रख दिए थे, प्लेटफॉर्म क्लीन करना बाकी था तो वो भी मैंने नहीं किया था। और कल शाम को मतलब विन्नी को है ना नूडल्स खाने थे, मतलब उसने मेरे को ना लास्ट 3-4 दिन पहले बोला था, लेकिन यही था कि बनाओ और फिर यही जा रहा था। तो फिर मैंने सोचा वो जाने वाली है तो जाते जाते उसको नूडल्स जो है वो खिलाई देते हैं। तो कल शाम को मैंने नूडल्स बनाए थे, तो मेरे पास में 2 पैकेट थे, दोनों पैकेट मैंने बना दिए। मुझे लगा कि शायद सबका हो जाएगा, लेकिन वो बनने के बाद में इतने ज़्यादा नहीं थे। तो अब मैंने सोचा कि नूडल्स के साथ में रोटी सब्जी तो फिर कोई खाएगा नहीं, तो फिर मैंने थोड़े से कच्चे केले अंदर पड़े हुए थे 2-3, तो उसी के ही पकौड़े बना दिए थे। तो ये था कि मतलब जब जा रही थी शिल्पा तो फिर किसी का मन इतना हुआ नहीं, तो नूडल्स तो सबने खा ली, लेकिन पकौड़े जो थे वो थोड़े बहुत पड़े भी रह गए। तो अभी पकौड़े पड़े हैं तो रात को मैंने फ्रीज में रख दिए थे, तो अभी मैंने बाहर निकाल दिए, तो थोड़ा बहुत सब लोग नाश्ता कर लेंगे। यहाँ पर एक बेज कपड़ों का जो था वो धुल गया था, तो मैं सुखाने के लिए आई, तो आज पता नहीं परी मैडम का किधर से मूड हुआ, तो उसने मुझे बोला मम्मी मैं कपड़े सुखा देती हूँ, तो मैं इतनी खुश हुई ना। और अब बच्चों के वैकेशन जो है वो आज से स्टार्ट हो गए हैं, तो अब थोड़ी बहुत मुझे मदद मिलेगी बच्चों की। तो परी जो है वो तो खैर अब मतलब काम जो है वो करवाती है मेरे साथ साथ में, विहान भी कराता है, ऐसा नहीं है, दोनों जने कराते हैं। मुझे ना कई बार कमेंट भी आते हैं कि आप परी से काम करवाते हो विहान से नहीं करवाते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सारे ही काम दोनों से करवाती हूँ। इवन दोनों मतलब कपड़े भी अगर सुखाने हैं ना तो दोनों जने मिलके सुखाते हैं, मतलब एक जना मशीन से निकालेगा तो एक जना उसको ना अच्छे से झटक के देगा, दूसरा जना सुखाएगा, तो ये लोग मिलके ही काम करते हैं। या फिर कभी मैं किचन का कुछ काम बोलूँगी तब भी ये दोनों साथ में ही काम करते हैं, तो ये क्या पता कभी मैं रिकॉर्ड कर पाती हूँ कभी नहीं भी कर पाती हूँ, लेकिन दोनों जने बराबर काम करते हैं। लेकिन आज विहान जो था वो उसके पापा के साथ में शॉप पे चला गया था, तो अभी घर पर परी और मैं हम दोनों जने अकेले ही हैं, इसलिए हम दोनों को अकेले ही काम करना है। तो परी उधर कपड़े जो है वो सुखा रही है, तो मैंने सोचा चलो वो उधर काम करी, तब तक मैं फटाफट से किचन में काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो मेथी दाने थे वो बॉईल हो गए थे, तो बस उसको मैंने तड़का लगा दिया। 2 तरीके के बनाती हूँ मेथी दाने, एक तो बनते हैं खट्टे मीठे वाले और दूसरे बनेंगे बेसन वाले। बच्चे जो है वो बेसन वाले मेथी दाने खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और बाकी मुझे और जैन साहब को जो इमली और
घोल डाल के मैं बनाती हूँ, खट्टे मीठे ना वो अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर मेरा लंच जो था वो उसकी तैयारी पूरी हो गई थी। अभी बस फटाफट से जितने भी बर्तन है वो मैं मतलब निकाल लिए, मैंने सारे सिंक में डालूंगी और बर्तन साफ़ करूंगी। उसके बाद में फिर जाऊंगी बाहर, बाहर थोड़ा बहुत डस्टिंग का काम जो है वो परी ने कर दिया है और फिर झाड़ू और पोछे का काम जो है वो मुझे करना है। और यहाँ पर काम करते करते जो थे थकान भी हो गई थी हम दोनों को, और परी जो थी वो थोड़ी सी मतलब हो रही थी कि मम्मी मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने सोचा चलो दोनों जने मिलकर ठंडा ठंडा सा ये पियेंगे, हेल्दी सा ड्रिंक ना तो अच्छा लगेगा। तो बस अभी दोनों के लिए मैंने ग्लास भर दी है, अभी दोनों जने बैठ कर आराम से इंजॉय करेंगे ये समर ड्रिंक। विहान और विहान के पापा ये दोनों तो शॉप पे गए थे, तभी मैंने उन दोनों को दे दिया था। थोड़ा सा और बच गया है तो वो मैंने फ्रीज में रख दिया है। तो पीने के पहले परी नाटक कर रही थी कि मैं नहीं पीऊँगी, लेकिन जैसे ही उसने एक सिप पिया ना तो उसको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। तो आप सबको भी बोल रही हूँ एक बार आप भी ये वाली जो समर ड्रिंक की रेसिपी है वो एक बार ज़रूर ट्राई करना। मतलब टेस्ट खैर अच्छा लगता ही है, कई बार किसको पसंद नहीं भी आता है, लेकिन अभी गर्मियाँ ना बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो इस गर्मी के अंदर मतलब आप बच्चों को, अपने हस्बैंड को, क्योंकि वो बाहर रहते हैं दिन भर ना, तो उनको ये एक ग्लास आप सुबह खाली पेट जो है वो ज़रूर दीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा बॉडी के लिए। अभी शायद 9:30 का कुछ टाइम हो रहा था और यहाँ पर मेरे दो बार के कपड़े भी धुल गए थे, बाहर डस्टिंग का काम हो गया था और किचन के अंदर मतलब खाने की तैयारी लंच की वो भी पूरी हो गई थी, ठंडाई बन गई थी। और यहाँ पर बस मैं लास्ट बर्तन जो है वो साफ़ करने का काम कर रही हूँ, इसके बाद मैं करूँगी किचन की साफ़ सफ़ाई और फिर मैं जाऊँगी बाहर। तो अब बाहर जो है वो मुझे झाड़ू और पोछे दोनों करने हैं, तो फटाफट से सोच रही हूँ कि किचन का काम जो है वो निपटा देती हूँ, फिर ही करती हूँ, और उसके बाद में फिर मैं जाऊँगी शावर लेने के लिए। और आज मतलब मैं ना थोड़ी सी एक्साइटेड भी हूँ मतलब झाड़ू और पोछा करने के लिए, क्योंकि जनरली ना हाउस हेल्पर काम करती है ना, तो मेरा काम जो वो डस्टिंग तक ही रहता है, उसके बाद का काम वो करती है। लेकिन अब जब वो नहीं है और मैंने दिमाग में सेट कर दिया कि मुझे ही करना है, और जब हम खुद से काम करते हैं ना तो सही में बहुत अच्छे से काम करते हैं। जब मेरी हाउस हेल्पर काम करती थी, मैंने आपको बताया भी है कि वो हार्डली 15 मिनट के अंदर झाड़ू और पोछे का काम पूरा ही करके चली जाती है, जबकि जब मैं झाड़ू निकालती हूँ तो मुझे सिर्फ पूरे घर के अंदर झाड़ू निकालने में आधे से 1.25 घंटा लग जाता है, क्योंकि वो हाथ जो है ना वो बिल्कुल उसी तरीके के चलते हैं कि मतलब हर कमरे का हर एक फर्नीचर जो है वो खोल के मैं अंदर से भी अच्छे से झाड़ू निकालती हूँ, और बाहर भी मतलब वॉल पर हर जगह पे मेरे हाथ जो है ना वो जाते ही जाते हैं। तो जब इस तरीके से आप झाड़ू निकालोगे ना तो फिर टाइम जो है वो लग ही जाता है। लेकिन इतना सारा काम जो है वो हमारी मैड नहीं करती, क्योंकि ना तो उनके पास में टाइम होता है और फिर थोड़ी सी मतलब लेज़ी भी होती है, वो लोग इतना अच्छे से काम नहीं भी करते हैं। तो यहाँ पर बस मैं फटाफट से झाड़ू निकाला मैंने स्टार्ट कर दिया है, और अभी आज मैंने ना डीप क्लीनिंग जैसा कुछ भी नहीं किया, खाली बीच बीच में जो रूटीन की साफ़ सफाई होती है ना उतना ही काम कर रही हूँ। थोड़ी सी मुझे क्लीनिंग जो है वो फिर से अब घर में करनी है, पहले करी थी मैंने जब शिल्पा गिरजा आने वाली थी ना तो उसके पहले मैंने करी थी, लेकिन अब उस बात को भी 15 से 20 दिन हो गए, और आजकल तो मतलब गर्मी है, गर्मी के साथ में ना हवा ऐसी चलती है ना, लू चलती है गर्म गर्म, तो इतनी बारीक बारीक सी मिट्टी जो है वो घर के अंदर आती है। फ़ैन के अगर मैं अभी आपको हालत बताऊंगी ना तो आपको लगेगा श्रद्धा ये क्या हाल कर रखे हैं पंखों के, तो पूरी एक मिट्टी की लेयर जो है वो पंखों के ऊपर जमी हुई है। लेकिन अभी आज तो मैं कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि आज एक तो उठी भी लेट हूँ और मतलब फटाफट से मुझे काम जो है वो आज करना है, फिर कल से मैं फिर से अपनी जो रूटीन में है ना वो अच्छे से आऊँगी, थोड़ी थोड़ी सी सफाई जो है वो स्टार्ट कर दूँगी। तो आज सुबह मैं फटाफट से बीच में झाड़ू निकाल रही हूँ, अब उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा, और पोछा भी सोच रही हूँ कि आज मैं बैठ के आराम से लगाऊं। वैसे मेरे पास में मॉप है नहीं है, जनरली जो वो मॉप आता है ना खड़े होकर लगाते हैं, मैं वाइपर या फिर मेरे पास में बड़ा वाला ब्रश है ना उसके ऊपर ही पोछा लपेट के लगा देती हूँ, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि नीचे बैठ के फिर मैं आराम से पोछा लगाऊं, ताकि एक बार की फ्लोर जो है मेरी अच्छे से क्लीन हो जाए। तो
चलिए इसी के साथ में ही आज का जो व्लॉग है इसको करती हूँ यहीं पर, एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो और मेरी बनाई गई समर ड्रिंक की जो रेसिपी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, लाइक में आप बहुत ज़्यादा कंजूसाई करते हैं आजकल, तो वीडियो को मेरे लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।